पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक स्कूटी जागरूकता रैली का आयोजन कराया गया। मुरादाबाद शहर के पीली कोठी चौराहे से इस रैली का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और सभी को जागरूक किया कि आप यातायात नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ लोगों को हादसे से बचाने को लेकर जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। 40 दोपहिया वाहनों पर सवार महिला पुलिसकर्मियों को पीली कोठी चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बाइक रैली पीली कोठी चौराहे से मुरादाबाद क्लब, फव्वारा तराहा, लोको शेड, मानसरोवर कॉलोनी, मंझोली तराहा होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक पहुंची और वहां से वापस ऐसे ही पीली कोठी चौराहे पर वापस पहुंची। महिला पुलिस कर्मियों ने रास्ते में लोगों को पंपलेट वितरित किए और लोगों को ये भी बताया कि वे अगर कार से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चले और अगर दोपहिया वाहन से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाकर चले और दो सवारी से अधिक दोपहिया वाहन पर ना बैठाएं। एक्चुअली आज मुरादाबाद पुलिस के जो भी मतलब मुरादाबाद में समस्त थानों की महिला पुलिसकर्मी है वो एक रैली निकाल रही है, जिसमें हम लोग मतलब लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना चाहिए, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। आमतौर पर देखा गया है कि जितनी भी दुर्घटना होती है वो बिना हेलमेट के होती है और ट्रैफिक नियमों के अज्ञानता की वजह से होती है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि मुरादाबाद में जितने भी लोग हैं, मुरादाबाद नहीं है मतलब पूरे जो जो हमें देख पा रहे हैं वो सब लोग अपनी जान की सेफ्टी कर सके। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सड़क हादसे का शिकार होकर 22,000 से भी ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा जाते हैं और इससे ज्यादा लोग घायल होकर जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते हैं। इन सब हादसों से लोगों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाता है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ही गाड़ी चलाएं, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीड पर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, रॉन्ग साइड में ना चलें और अगर कहीं आपको मुड़ना है या यू टर्न लेना है तो मुड़ने से पहले हमेशा इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करें। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज हम लोग जनपद मुरादाबाद में बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं, कुछ महिला पुलिस की तरफ से भी कॉन्स्टेबल्स हैं जो स्कूटी पर सड़क सुरक्षा के विभिन्न नारों की होल्डिंग धारण करते हुए जनपद वासियों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क पर जब भी चलें सुरक्षित चलें ताकि हम लोग सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें। महिला पुलिसकर्मी शामिल की गई है, उसका विशेष कारण? इसका विशेष कारण ये है कि ये लोग वेल ट्रेंड हैं और रैली के दौरान जो है थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए। अननोन पीपल की ड्राइविंग कैसी है हमें उतना आइडिया रहता नहीं है, इस वजह से इनको गाइडेंस के तौर पर इनको यहाँ पर रखा गया है ताकि एक अच्छी रैली निकाली जा सके। सड़क सुरक्षा के लिए हम चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा शहर में? बिल्कुल चल रहा है। कल हम लोगों ने पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया, जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया गया, साथ ही साथ चालान की कार्रवाई भी ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा की गई है। रैली के माध्यम से क्या संदेश? यही संदेश है कि सड़कें बहुत ही असुरक्षित हो रही हैं, कारण कि हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो इस माह के दौरान हम लोग, हमारा निवेदन यहाँ की जनता से यही रहेगा कि सुरक्षित चलें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं ताकि जो कैजुअलिटीज हो रही हैं वो कम से कम हो सके। मुरादाबाद में भी आज ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 40 महिला पुलिसकर्मियों को पीली कोठी से बाइक रैली पर शहर के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना किया। इन महिला पुलिसकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के दिशा निर्देश देने के पंपलेट भी वितरित किए। भारत सरकार के निर्देश पे और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पे ये सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज महिलाओं की बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम जनता में ये संदेश देना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा के नियमों का हम किस तरह से पालन करें, यातायात के नियमों का किस तरह से हम पालन करें, सीट बेल्ट लगाएँ, हेलमेट लगाएँ और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें वाहन चलाते समय। ऐसे अनेक प्रकार की सावधानियां हैं जिसको इस रैली के माध्यम से हम जनता के बीच में देना चाह रहे हैं। इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस पे हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, इस वजह से इनको लिया गया है। और एक इनके अंदर भी ये भावना पैदा करना है कि वो अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। सर कितनी महिला पुलिसकर्मी होंगी? ये करीब हमारे आज में 40 से ऊपर वाहन और उनके साथ जो है महिलाएं
एनसीसी के बच्चे सिर्फ यही हैं, वो रैली के हिस्सा नहीं है, उनके वो बिना वाहन के हैं। ये यहाँ से लेके चौधरी चरण सिंह चौक तक जाएंगे। इसके अलावा से ट्रैफिक द्वारा कोई चेकिंग अभियान चला जा रहा है? ये अभियान लगातार चल रहा है, पूरे माह चल रहा है और ये निरंतर चलने वाला अभियान है। ये तो एक जागरूकता के दृष्टि से इसको माह का नाम दिया गया, अदरवाइज तो हमारी चेकिंग रोज ही चलती है।